दीक्षांत समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश भर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज कुम्हारी के स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय में भी नवप्रवेशी छात्रों का स्वागत करने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों के जीवन के कैरियर निर्माण काल में शैक्षणिक क्रमों की संभावनाओं पर भी अपना वक्तव्य दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कुम्हारी स्थिति स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय में आने वाले समय और भी बेहतर सुविधा व्यवस्थाओं के साथ होगी। जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है, बजट भी पारित हो चुका है, जल्दी महाविद्यालय विशाल रूप में दिया जाएगा। महापौर चुनाव की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और यदि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते भी तो उसके लिए राज्यपाल से अनुमोदन लेना आवश्यक है। स्मृति के कॉलेज में आप आए और दीक्षाराम के क्या संदेश दिया आपने? स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल स्मृति महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय में आज दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ और जो नव प्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उसका सम्मान किया गया और वृक्षारोपण भी यहां हुआ है। तो नया कॉलेज है और भवन का अभाव है, हालांकि बजट में सेंक्शन है लेकिन अभी उसे टेंडर वगैरह नहीं लगा है। अधिकारियों से ही चाहूँगा कि चूंकि रायपुर और भिलाई के बीच में एक ही महाविद्यालय है कुम्हारी का, और छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या भी ठीक ठाक है, करीब 300 के आसपास दर्ज संख्या है, और कमरे के बड़े अभाव हैं, जमीन इलाट हो चुका है, हालांकि जमीन 5 एकड़ है, उसको 2 हेक्टेयर किया, उसे 5 हेक्टेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये बड़ा महाविद्यालय बन सकता, क्योंकि आसपास के जो छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी आवागमन के दृष्टिकोण से, तो इसलिए उसमें 5 हेक्टेयर जमीन में बनना चाहिए। और दूसरा, बजट अलाट हो चुका है, अब उसे टेंडर की प्रक्रिया करनी है। 7 महीने की सरकार की सुरक्षा में जी सी सरकार नाम की चीज है क्या? सर एक प्रश्न बहुत अच्छा है, पूर्व की सरकार ने पार्षदों के द्वारा महापौर को चुना जाता था, लेकिन अब जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार अब डायरेक्ट महापौर के चुनाव कराएगी, किस रूप में देखा? अभी कहाँ नोटिफिकेशन कहाँ हुआ है? लेकिन ऐसा बोल रहे हैं लोग ऐसे नहीं। देखिए, अभी विधानसभा सत्र चला था, वो चाहते तो उसमें अमेंडमेंट ला सकते थे, उन्होंने किया नहीं है अभी तक के। अब चूँकि अब राज्यपाल से अध्यादेश के माध्यम से ही हो सकता है, तो ये जब होगा तभी फाइनल माना जाएगा किस प्रकार से। बंधन का पैसा नहीं मिलेगा सर, बहुत ये बात सही है भाई। देखिए, 70 लाख लोगों को दे रहे हैं बोलते हैं, वो भी अलग अलग मत से पैसा दे रहे हैं। एक मिनट के लिए। दूसरी बात ये है कि सभी को नहीं मिल रहा है, जो पेंशनधारी महिलाएं हैं उसका पैसा काट के दे रहे हैं, और विंडो इन्होंने बंद कर दिया है, तो इस कारण से बहुत लोग एप्लीकेशन जो छूट गए हैं वो एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे हैं। फिर दूसरा, अभी सब शादी सीजन निकल गया, तो जिनके शादियां हुई है वो तो पात्र बन गए, तो उनके लिए भी कम से कम विंडो खोले तो वो एप्लीकेशन दे, उन्होंने क्लोज करके रखा है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।